हेलो एवरीवन, वेलकम टू वावाईएस। नाउ वी शैल सी अवर डेली एमसीक्यूज फॉर 1st of September। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वोलबाशिया इज ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू ए वायरस, बी लाइकन्स, सी फंगस और इज इट डी बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? तो इंडोनेशिया में डेंगू फैल रहा था। ओके, इंडोनेशिया वॉज अफेक्टेड बाय डेंगू। नाउ व्हाट इंडोनेशिया डिड? इट इंट्रोड्यूस द बैक्टीरिया वोलबाशिया बैक्टीरियम। ओके, ये एक बैक्टीरियम है एंड दे इंट्रोड्यूस दिस बैक्टीरियम इन देयर मॉस्किटोज। एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो ब्रीड है, ओके, उसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया जिससे डेंगू गॉट रिड्यूस्ड बाय 77% रिडक्शन। ओके, 77% रिडक्शन हुआ डेंगू केसेस में। नाउ दिस वोलबाशिया बैक्टीरियम, दिस डजेंट ऑकर नेचुरली इन द एडिस एजिप्टाई। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि इन्होंने अलग से इंट्रोड्यूस किया है उसको। नाउ ये बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा? तो फ्रूट फ्लाइज में, ओके, उसके बाद आपको ये ड्रैगन फ्लाइज में देखने को मिल जाएगा, बटरफ्लाइज में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें वोलबाशिया नेचुरली ऑकरिंग होता है। फिर उसके बाद पास हो जाता है, ओके, जब प्रोजेनी होती है उसमें। नाउ उसको मॉस्किटोज में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उससे जो डेंगू था वो स्प्रेड नहीं कर पा रहा है एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। एंड वी ऑल्सो नो दैट एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकनगुनिया, ओके, एंड जीका वायरस, येलो फीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी चीज़ों के लिए जो मॉस्किटोज है एडिस एजिप्टाई दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जो आंसर है हमारा दैट इज़ डी बैक्टीरिया। और ये ह्यूमंस के लिए और एनवायरनमेंट के लिए दिस इज़ सेफ। ओके, द वोलबाशिया इज़ सेफ, तो इससे कुछ भी हमको हार्म नहीं हो रहा है। ऊपर से जो डेंगू लेड है वो कम हो गया। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एतिकोपक्का टॉयस। एतिकोपक्का टॉयस आपने अगर सुना होगा, प्रधानमंत्री जी हमारे, उनकी मन की बात जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने एतिकोपक्का टॉयस की बात कही थी। ओके, नाउ दीज आर डॉल्स। ओके, डॉल्स होती हैं ये, गुड्डे गुड़िया। स्टेटमेंट 1, देर आर दीज आर ट्रेडिशनल वुडन टॉयस फ्रॉम राजस्थान एंड आर पेंटेड विथ नेचुरल डाइज। स्टेटमेंट 2, दे आर अकॉर्डेड द GI टैग। नाउ दिस एतिकोपक्का इज अ विलेज, ओके, एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन द वराह रिवर। वराह रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड है और आता है विशाखापट्टनम में। तो ये तो था कॉन्टेक्स्ट। अब आपको इससे एक चीज़ समझ आ गई होगी, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। राजस्थान में ये नहीं बनते हैं, दीज टॉयज आर मेड इन आंध्र प्रदेश। ओके, दूसरी चीज़, 400 साल पुराना ट्रेडिशन है ये, 400 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। डॉल्स होती हैं वुडन डॉल्स, ओके, ये वुडन टॉयज होते हैं, वुडन डॉल्स होती हैं और इनको नेचुरल डाई से पेंट किया जाता है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पर। नाउ दीज आर अकॉर्डेड विद द GI टैग, इनको GI टैग मिला हुआ है। तो आंसर जो है हमारा वो है करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। प्लीज़ रिमेंबर, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिया करिए कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कभी कभी मैं नहीं देख पाता हूँ। तो आंसर है B 2 ओनली। ओके, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज़ द IEA, सी इज़ OECD और इज डी WEF दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो GER 2020 जो रिपोर्ट है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, ये हाल ही में पब्लिश हुई है और इसको पब्लिश करता है बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस बार का जो एडिशन है उसमें उन्होंने जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है, ग्लोबल एनर्जी डिमांड, इसको कोरोना वायरस ने कैसे इफ़ेक्ट किया है, COVID-19 ने कैसे इफ़ेक्ट किया है, उस पर ये एक बार फोकस करता है। ये मेन थीम है इसकी। और ऊपर से ये भी बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस हैं वो कितने एस्टिमेटेड होने वाले हैं इस साल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू और आंसर है बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पोलियो वायरस।
स्टेटमेंट वन, पोलियो इज़ अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज़। तो ये तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन पढ़ते टाइम। स्टेटमेंट टू, देर इज़ नो क्योर बट इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। एंड स्टेटमेंट थ्री, ऑल स्ट्रेन्स ऑफ वाइल्ड पोलियो हैव ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड एज ग्लोबली इरेडिकेटेड। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, नाउ पोलियो की बात करें तो पोलियो इज़ अ वायरस, ये तो सबको पता है बेसिकली। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रख लिए, पोलियो वायरस। ओके, नाउ इट इज़ अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी, ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ओके, नाउ देयर इज़ नो क्योर फॉर पोलियो, वी ऑल नो दिस, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। तो आपको 5 साल पल्स पोलियो जो हमारा कैंपेन चला था सबको याद होगा, रोड पर खड़े रहते थे दवाई पिलाने के लिए। ओके, तो पल्स पोलियो कैंपेन इसलिए था क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, एक बार आपको हो गई तो यू विल बी इफेक्टेड फॉर लाइफ। ओके, सो बट इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। नाउ ऑल स्ट्रेन्स ऑफ वाइल्ड पोलियो हैव ऑफिशियली बीन सर्टिफाइड एज ग्लोबली इरेडिकेटेड। तो देखिए, तीन स्ट्रेन्स होते हैं ऑफ द वाइल्ड पोलियो, दैट इज़ टाइप 1, 2 एंड 3। दीज टू, टाइप 2 एंड 3, दीज हैव बीन इरेडिकेटेड। ओके, दीज हैव बीन इरेडिकेटेड। दिस टाइप 1, इट अफेक्ट्स 2 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंटली। वन इज़ पाकिस्तान एंड द अदर इज़ अफगानिस्तान। सो टाइप 1 जो स्ट्रेन है वाइल्ड पोलियो का, वो उसको इरेडिकेट अभी तक नहीं किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। एक चीज़ आप याद रखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो 1 एंड 3 आर इनकरेक्ट। आंसर है हमारा बी, 1 एंड 3 ओनली। अब दो तरीके के इसके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारे टाइम पे पिलाया जाता था, अगर आपको याद हो तो, OPV, और एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV। ओके, नाउ कुछ स्ट्रेन्स ये इंजेक्टेबल फॉर्म से भी वापस लौट के आ रहे हैं, बट दैट इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। अभी के लिए जो हमारा आंसर है दैट इज़ 1 इन 3, विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल रोल इन इंडिया। नाउ स्टेटमेंट 1, देयर इज़ अ कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर इलेक्शंस टू द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स आर फ्री टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। अगर आप गौर करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स पे, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं नेचर में। एक पहला स्टेटमेंट कुछ और बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो एक चीज़ तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं हो सकते। ओके, नाउ अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाया जाए, तो ये डिस्कशन का पॉइंट है अभी, इस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे अभी हम। नाउ वी ऑल नो जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, दैट इज़ द लोकसभा इलेक्शंस, इवन द राज्यसभा इलेक्शंस, द इलेक्शंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दीज आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये जो इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, दैट इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, दैट इज़ SEC। ओके, नाउ इन दोनों के जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं वो अलग होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स आर डिफरेंट। कुछ कुछ जगह कॉमन भी हो सकते हैं, दैट इज़ अ सोल डिसीजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, वो ECI का जो इलेक्टोरल रोल है उसको कॉपी कर सकता है, बट ज़्यादातर स्टेट्स में ये जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं वो अलग होते हैं। इलेक्टोरल रोल्स वही होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे जो वोटर है उनकी एक लिस्ट होती है, दैट इज़ बेसिकली इलेक्टोरल रोल्स। ओके, सो जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट, पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज़ इनकरेक्ट, कॉमन इलेक्टोरल रोल्स नहीं होते हैं। ओके, उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है कि होने चाहिए। तो जो आंसर है वो है B, 2 ओनली, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ओनली करेक्ट, फर्स्ट इज इन द इनकरेक्ट वन। इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइस, आई होप यू लाइक इट। ऑल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट। वील मीट टुमारो, थैंक यू।